नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी बांग्लादेश में इस्कॉन पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की हुई गिरफ्तारी की। अडानी के बहाने कांग्रेस के मोदी पर किए वार की और गांधी परिवार से राजनीति में होने वाली एक और नई एंट्री की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी जो फैसला करेंगे हमें मंजूर, सीएम पद से जुड़े सवाल पर बोले एकनाथ शिंदे। कैलाश गहलोत ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, कुछ दिन पहले छोड़ी थी आप। पवन कल्याण ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य के कई मुद्दों पर की चर्चा। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में सरकार का बड़ा एक्शन, प्रिंसिपल को हटाया, 3 अन्य निलंबित। पाकिस्तान में पीटीआई का विरोध, प्रदर्शन थमने से पहले 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। बदायूं ब्रिज हादसे पर गूगल ने पहली बार दिया रिएक्शन, जांच में सहयोग करने की कही बात। बांग्लादेश में साधु संतों पर हो रहे हमले को लेकर परेशान इस्कॉन, केंद्र से लगाई मदद की गुहार। अडानी पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी, दोहराई गिरफ्तारी की मांग। सोने और चांदी के रेट में आज फिर आई तेजी, 76,143 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। एक दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 230 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 24,250 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश बना तो वहां क्या होगा, वो आप बांग्लादेश के ही मौजूदा हालात से समझ सकते हैं। बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना भी देशद्रोह हो गया है। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और बुरी खबरें आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तख्ता पलट के वक्त अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनका अपराध ये है कि वो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहे थे और बांग्लादेश की सरकार से ये कह रहे थे कि क्या वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं का कोई मानव अधिकार नहीं है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चिन्मय कृष्णदास प्रभु को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं चिन्मय की गिरफ्तारी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर बांग्लादेश ने जवाब दिया है। इसी बीच बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार में युवा और खेल मंत्रालय सलाहकार आसिफ महमूद सोजिब भुइया ने कहा कि चिन्मय दास को हिंदू समुदायों के नेता के रूप में नहीं बल्कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत ने भी दास की गिरफ्तारी पर मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, यह दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के बजाय शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए वैध मांगे रखने वाले एक हिंदू पुजारी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता जताते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। भारत के इस बयान के बाद बांग्लादेश ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों में गलत अर्थ दिया गया है। बयान में कहा गया है कि भारत का बयान निराधार और दोस्ती की भावना के उलट है। वहीं चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के बीच भारी रोष देखने को मिला और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। अब भारत इस पर क्या एक्शन लेता है ये देखने वाला विषय होगा। ये तो आपने देखा कि बांग्लादेश का हाल, अब देखिए कैसे अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। जी हाँ, संसद में आज भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद में अडानी के मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी पर लगे इतने संगीन आरोपों के बीच मोदी सरकार और जांच एजेंसियों को सांप क्यों सूंघ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसी और के ऊपर अगर ये आरोप लगे होते ईडी, सीबीआई, एसीबीआई जैसे संस्थान और एजेंसी इस सनसनीखेज खुलासों की जांच करती, लेकिन अडानी की वजह से सबके हाथ पांव फूल गए हैं। संसद में चर्चा तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। आज संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें छोटे मोटे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्या आपको लगता है
कि अडानी अमेरिकी अदालत के अभियोग को स्वीकार करेंगे। बता दें कि इससे पहले 21 नवंबर को भी राहुल गांधी ने अडानी पर तीखा हमला करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में गौतम अडानी के साथ मिले हुए हैं। राहुल ने कहा था कि अडानी 2000 करोड़ रुपए के घोटाले और कई अन्य मामलों में नाम आने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पीएम मोदी का संरक्षण है। बता दें कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। चलिए अब आपको गांधी परिवार से जुड़ी एक और खबर से रूबरू करवा देते हैं। चुनावी राजनीति में गांधी परिवार के एक और सदस्य की एंट्री हो चुकी है। जी हां, प्रियंका गांधी ने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है और अब वो लोकसभा में नजर आएंगी। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का कब सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगे, यानी अब वो कब चुनावी फल का जायका चखेंगे। इस संबंध में उनसे कई बार सवाल किए गए हैं। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए वाड्रा ने इस संबंध में बड़ा इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को लगता है तो मैं यकीनी तौर पर संसद में रहूंगा। बता दें कि केरल के वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने के बाद उनके कारोबारी पति रॉबर्ट वाड्रा से अक्सर उनकी राजनीति में एंट्री से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी एक लंबे समय से राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा था। वो सिर्फ 17 साल की उम्र से ही चुनावी कैंपस का हिस्सा रही हैं। 1999 में पहली बार अपनी मां के साथ चुनावी मुहिम प्रचार में शामिल होने वाली प्रियंका गांधी को राजनीति में 25 साल हो गए हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि इस बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। हालांकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को मिलीजुली सफलता ही मिल पाई। प्रियंका गांधी कई मौकों पर कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाती रही हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के बागी रुख अपनाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के समाधान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यकीनन साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में प्रियंका ने अहम किरदार निभाया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे में प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि जब नतीजे आए तो इस गठबंधन को सफलता नहीं मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अगले चुनाव यानी 2022 में भी उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन इस चुनाव में भी वो कुछ खास नहीं कर पाई। कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ 2.5% के वोट शेयर और 2 सीटें ही मिल पाई। हालांकि 2022 में ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में उनको बड़ी कामयाबी मिली। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। देश में दिन पर दिन रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ ऐसे बर्बर मामलों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। इस सवाल पर सरकार आखिर चुप क्यों है? मुश्किल तो यही है कि सरकारें या पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों पर कभी भी अपनी खामी कबूल नहीं करते। इसके अलावा इन घटनाओं के बाद होने वाली राजनीति और लिपापोती की कोशिशों से भी समस्या की मूल वजह हाशिए पर चली जाती है। यही वजह है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ जस का तस हो जाता है। वहीं वर्ष 2018 में हुए थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वेक्षण के मुताबिक लैंगिक हिंसा के भारी खतरे की वजह से भारत पूरे विश्व में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों के मामले में सबसे पहले स्थान पर था। वैसे रेप के सरकारी आंकड़े भयावह हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2013 रेप के 33,707 मामले दर्ज, साल 2014 रेप के 36,735 मामले दर्ज, साल 2016 रेप के 39,000 से ज्यादा मामले दर्ज, साल 2017 रेप के 33,668 मामले दर्ज, साल 2018 रेप के 33,977 मामले दर्ज, साल 2019 रेप के 32,260 मामले दर्ज। वर्ष 2019 के दौरान रोजाना औसतन 88 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई। इनमें से 11% दलित समुदाय की थी। ऐसा नहीं है कि सरकारों या पुलिस प्रशासन को ऐसे अपराधों की वजहों की जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण, लचर न्याय व्यवस्था और कानूनी पेचीदगियों की वजह से एकाध हाई प्रोफाइल मामलों के अलावा ज्यादातर मामलों में अपराधियों को सजा मिलती ही नहीं है। अब तक इस मुद्दे पर हुए तमाम शोधों से ये साफ हो चुका है कि बलात्कार के बढ़ते हुए इन मामलों के पीछे कई वजहें हैं। मिसाल के तौर पर ढीली न्यायिक प्रणाली,
कम सजा दर, महिला पुलिस की कमी, फास्ट ट्रैक अदालतों का अभाव और दोषियों को सजा नहीं मिल पाना जैसी वजहें इनमें शामिल हैं। इन सबके बीच महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया भी एक अहम वजह है। समाज में मौजूदा दौर में भी लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले रेप या यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में पड़ोसियों या रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। निर्भया कांड के बाद कानूनों में संशोधन के बावजूद अगर ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो इनके तमाम पहलुओं पर दोबारा विचार करना जरूरी है। महज कड़े कानून बनाने का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक राजनीतिक दलों, सरकारों और पुलिस में उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही सामाजिक सोच में बदलाव भी जरूरी है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।